कल्याणपुर पंचायत समिति के बांकियावास गांव में सोमवार रात्रि को अचानक दो झोंपों में आग लग गई। आग के कारण झोंपों में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। दमकल की व्यवस्था नहीं होने के कारण आसपास के लोगों ने टैंकर द्वारा आग पर काबू पाया, लेकिन आग विकराल होने के कारण झोंपों में रखा सामान जलकर राख हो गया। बाड़मेर जिले के कल्याणपुर क्षेत्र में सोमवार रात को आग लगने से गरीब परिवार के दो झोंपे और उनमें रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। गरीब विधवा महिला के घर में लगी इस आग से जहां हजारों रुपए के सामान को नुकसान हुआ, वहीं दूसरी ओर गरीब परिवार आसमान तले आ गया। दरअसल कल्याणपुर पंचायत समिति के बांकियावास गांव में सोमवार रात्रि को अचानक दो झोंपों में आग लग गई। आग के कारण झोंपे और उसमें रखे घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की ये घटना गरीब भीखी देवी पत्नी भंवर सिंह राजपूत के घर में हुई। अज्ञात कारणों से लगी आग जल्द ही विकराल रूप धारण कर गई। आग की लपटें उठती देखकर आसपास के लोग दौड़कर भीखी देवी के घर पहुंचे। इसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन कल्याणपुर क्षेत्र में दमकल नहीं होने की वजह से आग बुझाने में सरकारी स्तर पर कोई मदद नहीं हो सकी। इधर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों झोंपे और उसमें रखा घरेलू सामान जलकर राख हो चुका था। एकदम अचानक आग लगी, कोई बेरे के फायर बिल्डिंग कोई हाजिर ही कोई नहीं के गांव रा टंकर लान आग बुझाई। एकदम अचानक आग लाग गई, पूरा झोंपो जलन, पूरा सामान पूरा राख हो गया जल पूरा ही। घर में कौन कौन थे? घर में कोई कोई, एक डोकरी थी घर में, डोकरी 70 साल की, वो नुकसान तो पूरा सामान जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा है। सोमवार रात बांकियावास की गरीब महिला भीखी देवी के घर लगी आग की वजह से दो झोंपे और उसमें रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि कल्याणपुरा में दमकल की व्यवस्था हो तो ऐसी घटनाओं में नुकसान को कम किया जा सकता है।